कहाँ से आई हैं आप? गुजरनावाला से। क्या नाम है आपका? मीकल। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि मुझ में HP की कमी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत पेन होती थी। तो जब पास्टर फ्रैंक आए थे तो मैंने प्रे करवाई, तो खुदा का शुक्र अब मैं मुकम्मल तौर से शिफा पा चुकी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी बॉडी में HP की बहुत ज़्यादा कमी थी और आपने खुदा के खादिम से दुआ करवाई, तो किसने आपको शिफा अता की? यस सुने। आपकी बॉडी की पेन जाती रही, आप खुश हैं? जी। किसने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया? यस सुने। खुदा आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। माँ जी, कहाँ से आई हैं आप? समसाने खुई से। क्या नाम है आपका? कृषीद। क्या गवाही आपकी? मेरी एक गवाही है, बेन जीर के पैसे मिलते रुके सन, तो अगे तीन महीनों बाद मिलते, हूँ हर महीने मिलते। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपकी अमाउंट जो है वो रुकी हुई थी और आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, खुदा यीशु मसीह से दुआ की, तो किसने आपके रुके हुए पैसों को बहाल किया? आपने। आप खुश हैं? हाँ जी। खुदा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से जलाली काम करे। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी गवाही है, मेरा बेटा ना, बेटा मांगता सी, तो जादू टोने वाले बड़े फायदे, मैं कहा सीधा रास्ता है ये वाला, मेरे पीछे पीछे चले, उसको बेटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपके बेटे की ख्वाहिश थी कि खुदावंद उसको बेटे जैसी बरकत दे। हाँ जी। और आपने बताया कि वो गैर माबूदों के पीछे भागता था, जितने भी नाजरीन आइजक टीवी देख रहे हैं, आपने सुना कि माँ जी के बेटे को बेटे की ख्वाहिश थी और वो बेटा लेने के लिए गैर माबूदों के पीछे भागता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जो पत्थरों में से भी औलाद पैदा करने की कुवत और कुदरत रखता है, ईमान से जिंदा खुदावंद से दुआ करें, वो आपको बेटों जैसी बरकत देंगे, बेटियों जैसी बरकत देंगे, जो जो आपके दिल की ख्वाहिश है खुदावंद पूरा करेंगे। फकत ईमान रखें, शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला लहर की मानिंद होता है। माँ जी, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद ने आपके बेटे की ज़िंदगी में जलाली काम किया। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने ईमान में कायम रखे, मजबूत रखे। खुदावंद आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। सलाम। आपको भी सलाम। कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से आई हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। क्या गवाही आपकी? मैं अपनी बेटी की गवाही देना चाहती हूँ। मैं ना रावलपिंडी में, मेरी बेटी रहती है, तो मैं वहाँ गई थी, तो उसके ना बहुत ज़्यादा इतनी के पेन कमर में थी, तो मैंने उधर ही ना दिल में यही इरादा कर लिया था कि मैं ना एज ए चैनल के आगे पर्ची रखूँगी, मेरी बेटी सही हो जाएगी। मेरी बेटी ने दोबारा टेस्ट करवाया तो उसका टेस्ट बिल्कुल क्लियर आया। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपकी बेटी की कमर में बहुत ज़्यादा पेन थी। आपकी बेटी रावलपिंडी में रहती है, आपने बताया कि जब आप अपनी बेटी के पास गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपने आइजक टीवी के सामने प्रे रिक्वेस्ट लिख कर रखी, खुदा के खादमों से दुआ करवाती रही, आपकी बेटी की कमर की दर्द जाती रही, आप खुश हैं? हाँ जी। मैंने कहा था मैं जाकर गवाही दूँगी, आप उसके लिए दुआ करें, उसकी चार बेटियाँ, बेटा नहीं है, खुदा उसको बेटा दे, तो मैं फिर आकर गवाही दूँगी। ईमान रखे माँ जी, जिस तरह से खुदावंद ने आपकी बेटी की कमर की दर्द को दूर किया, खुदावंद ने चार बेटियों से नवाजा है, खुदावंद आने वाले दिनों में आपकी बेटी पर बरकत वाला हाथ रखेंगे और उसको बेटे जैसी बरकत देंगे। आप फिर से आएंगे हमारे साथ, अपनी गवाही को शेयर करेंगे, खुदावंद आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई हैं? सलाम सिस्टर जी। आपको भी सलाम। कहाँ से आई हैं? ओकाड़ा से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। क्या गवाही आपके? मेरी बेटी पेटी से गिर गई थी तो उसको उसका बाजू टूट चुका था, हम बहुत से हॉस्पिटलों में लेके गए लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हमारा ईमान था, मैंने रोज़ा रखा, तो हमने पर्ची लिख के टीवी के नीचे रखी, तो खुदावंद का शुक्र है, पास्टर शोकर साहब से भी दुआ करवाई तो अब शिफा पा गई। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी बेटी जो है वो ऊंचाई से गिर गई थी और उसका बाजू फ्रैक्चर हो चुका था और आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, जब आप अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जी। ईमान से आपने खुदा के खादिम पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई, खुद भी अपनी बेटी के लिए दुआ करती रही, तो किसने आपकी बेटी की टूटी हड्डी को जोड़ा? मेरे जिंदा खुदावंद। अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? ठीक है। किसने आपकी बेटी को शिफा? सुबह आपने। खुदावंद यीशु मसीह आपकी बेटी को उम्र की दराजी अता करे, इसी तरह से आपकी जिंदगी में जलाली काम करे, गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आए आप? मुजीराबाद। क्या नाम है आपका? अमूस। अमूस, आपकी क्या गवाही है? मेरी ये गवाही है कि हमारे पास गाड़ी थी पहले, तो वो हमें बहुत मुश्किलात आ गए थे, तो हमने वो बेच दी थी, तो फिर शाम को बेची, उसी शाम को अगले दिन खुदा ने हमको नई गाड़ी दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपने बताया कि आपके पास गाड़ी थी और कुछ मुश्किलात की वजह से आपको अपनी गाड़ी सेल करनी पड़ी और आप बहुत परेशान थे। ईमान से आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, आपका ईमान था कि खुदा यीशु मसीह आपको नई गाड़ी देंगे, तो किसने आपको नई गाड़ी जैसी बरकत दी? यीशु ने। आप खुश हैं? जी। खुदा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से जलाली काम करे, अमूस आपको ढेरों बरकत से नवाजे, गॉड ब्लेस यू। माँ जी, कहाँ से आई हैं? भाई चाकर रुकमपुर।
क्या नाम है आपका? सकीना। माँ जी आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही मैं अगे गवाही देन आई सा ते नहीं सी तुसा लई ते हुण मैं आई गवाही देन। मेरा पुत्र दोबारा 2 महीने हो गए ने सरकारी जॉब में, फिर दोबारा गया चला ते शौकत दुआ कर करांदी रही रोजां च ते दोबारा फिर गया चला। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी आपके बेटे के पास गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी, आपने खुदा के खादिम पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई, 2 मंथ हो गए आपके बेटे को गवर्नमेंट की जॉब किसने मुहैया की? यसु बाब ने। आप खुश हैं? खुश हैं। खुदावंद आपकी जिंदगी में इसी तरह से जलाली काम करे। आपकी कोई दूसरी गवाही? मेरा जेठ का मुंडा ना भी स्प्रे पी ली सी ते मौत दे मुंह विच लड़दा पिया सी, भी लटकदा पिया सी ते अनवर फजल दुआ करदा पिया सी अमेरिका च ते उन्दे नाल दुआ कीती ते उन्हें अस्पताल च ना शफा मिल गई उन्हें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते। माँ जी आपने बताया कि आपका बेटा जिसने जहरीला लिक्विड पी लिया था और जहर पी लिया था और वो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, आपने खुदा के खादिम से दुआ करवाई जब खुदा के अजीम खादिम अमेरिका से लाइव मीटिंग कर रहे थे, आपने टीवी के सामने बैठकर दुआ की, तो किसने उसको ज़िंदगी दी? खुदा यीशु मसीह। किसने आपके बेटे को नई जिंदगी अता की? यीशु बाप ने। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका जिंदा खुदा है और वो जिंदगी देने की कुवत और कुदरत रखता है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। माँ जी कहाँ से आई हैं आप? मैं आप पता किससे आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज बर्क। क्या गवाही आप? मेरी गवाही मेरे भाई की है। मेरे भाई यानी कि मियाँ बीवी का प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, घर में घरेलू मामला था, तो वो भाई ने ना परेशानी में आकर ना स्प्रे पी ली थी जो हम पौधों को लगाते हैं, तो वो बहुत उसकी हालत ख़राब थी और वो हम जब हॉस्पिटल लेके गए थे तो उन्होंने जवाब दे दिया था, तो खुदा दा शुक्र है कि बड़े सार जो साहब जी हैं वो दुआ कर रहे थे अमेरिका से, तो खुदा का शुक्र है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे गांव में 2-3 वाक़ हुए तो वो बचे नहीं थे, लेकिन वाकद मेरा भाई है जो बचा है गांव में से। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सिस्टर जी आपने बताया कि आपके भाई और भाभी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे और उसकी वजह से आपके भाई ने परेशान होकर जहरीला लिक्विड पी लिया था और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, और आपने बताया कि 2-3 केसेस हुए थे जिसमें से उन 2 लोगों की डेथ हो गई और आपके भाई के लिए आपने जब खुदा के खादमों से दुआ करवाई, यीशु मसीह ने आपके भाई को नई जिंदगी अता की। कौन आपके भाई को मौत के मुँह से बाहर लेकर आया? खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है। खुदावंद आपके साथ हो। आपकी कोई दूसरी गवाही? मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बहन का बेटा जो 2 साल का था और उसको यूरिन वाली साइड पे प्रॉब्लम थी कुछ, वो 2 माह से बीमार था, काफ़ी प्रॉब्लम थी और उसका ऑपरेट नहीं हो रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र है हमने दुआ करवाई और ख़ुद भी दुआ की और जुम्मे को उसका ऑपरेट हुआ, अब वो बिल्कुल ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े मौजज़े के लिए जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में किया। खुदावंद इसी तरह से आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। सलाम बाजी। सलाम जी कहाँ से आए आप? जिला बामलगर से। क्या नाम है आपका? जवेद। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे बामलगर में ना नौकरी छूट गई थी, तनखा बढ़ाने के लिए मैंने छोड़ी थी, तो उधर जाके कोई परेशानी मेरे इतनी आ गई थी, कोई कारोबार नहीं था, मैं लाहौर में आया हूँ, 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी मिली मुझे, तो बच्चों के रिश्ते अच्छे मिल गए हैं, शुक्र है खुदा का। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप बहावल नगर से आए हैं, वहाँ पर आप जॉब करते थे, आपने बताया कि आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, आपने वो जॉब छोड़ दी और आपने बताया कि आप लाहौर में आ गए, लाहौर में आकर आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, वेनसडे मीटिंग अटेंड करते थे, संडे मीटिंग अटेंड करते थे, यीशु मसीह ने आपको अच्छी सैलरी पे जॉब भी अता की, आपके बच्चों के रिश्ते भी आपको प्रोवाइड किए। खुदा का शुक्र अदा करते। किसने आपके लिए बंद दरवाजों को खोला? यीशु बाप ने। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसी तरह से जलाली काम करे। गॉड ब्लेस यू भाई। कहाँ से आई हैं? कसूर से। क्या नाम है आपका? शमीम। क्या गवाही आपकी? ये गवाही मेरे भाई की है, मेरे बड़े भाई की, उस वो जॉब करता था लेकिन प्राइवेट जॉब थी, तो हम दुआ करते थे यहाँ, हम संडे मीटिंग में आते थे और हमने सीनियर पास्टर अनवर फजल से दुआ करवाई, तो अब उसकी सरकारी जॉब पे और हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके बड़े भाई के पास जॉब नहीं थी, वो प्राइवेट काम करते थे, आपने खुदा के खादिम से दुआ करवाई, यीशु मसीह ने आपके भाई को गवर्नमेंट जॉब अता की। आप खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। किसने आपके भाई को जॉब जैसी बरकत दी? खुदावंद यीशु ने। खुदावंद इसी तरह से आपकी जिंदगी में जलाली काम करे, आपको ढेरों बरकत से नवाजे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। कहाँ से आई आप? कसूर से। क्या नाम है आपका? सोबिया। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मेरी बनी हुई के पास ना जॉब नहीं थी, हम बहुत परेशान थे और खुदा का शुक्र है कि 2 साल से अब खुदा ने उसे गवर्नमेंट जॉब दी है, तो मेरी गवाही रुकी हुई थी।
प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी बहन के हस्बैंड के पास जॉब जैसी बरकत नहीं थी 2 साल से। हाँ जी। आपने ईमान से खुदा के खादमों से दुआ करवाई तो यीशु मसीह ने उनको गवर्नमेंट जॉब मुहैया की। आप खुश हैं? यस। खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आए आप? हैडबलो से। क्या नाम है आपका? सलमान। क्या गवाही है आपकी? जी मेरी ये गवाही कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो ना बाईपरोल अस्पताल में जवाब दे दिया और दीनानाथ में उन्होंने कहा जिसे लाहौर ले जाएं या बच नहीं सकता, बचने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे घर वालों ने आज टीवी के आगे पर्ची रखी और दुआ की और खुदा का शुक्र है मैं आपके सामने ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी स्वेर किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। आपने 2 हॉस्पिटल में चेक करवाया लेकिन आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हाँ जी, 4-5 घंटे मुझे होश नहीं आई थी। आपने बताया कि 4-5 घंटे आप बेहोश थे, आपको होश नहीं थी और डॉक्टर्स ने भी आपको जवाब दे दिया था। और आप जब लाहौर में आए आपने चेक करवाया डॉक्टर्स को, आपका ट्रीटमेंट हुआ, खुदा के खादमों ने आपके लिए दुआ की, तो किसने आपको नई जिंदगी अता की? यसू ने। आप खुश हैं? जी खुश हूँ। किसने आपकी टूटी हड्डियों को जोड़ा? मेरे यसू ने। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अपने कदमों पर खड़ा किया। आप हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करने आए। खुदावंद इसी तरह से आपको अपने ईमान में मजबूत रखे, अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।